पुराने जमाने में एक पेड़ को एक रोलिंग एलिमेंट बनाकर पत्थर को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता था, और इसी से इंस्पायर होकर बनाया गया रोलर बेयरिंग को। और ये रोलर बेयरिंग लकड़ी की थी, लेकिन रोलर बेयरिंग से पहले बनी थी प्लेन बेयरिंग, और ये प्लेन बेयरिंग इंस्पायर थी हैंड ड्रिल से। हैंड ड्रिल वैसे तो आग जलाने के काम आता था, और ये एक सिंपल और एक पुराना मेथड है जो कि रोड को रोटेटरी मोशन में घुमाने के लिए यूज करा जाता था। पहिए वाले जितने भी व्हीकल थे उस जमाने में, उसमें यूज करा जाता था प्लेन बेयरिंग का। सन 1500 ईस्वी में लियोनार्डो दा विंची ने एक हेलीकॉप्टर की ड्राइंग में बॉल बेयरिंग की इमेज को भी दिखाया है। पहली स्टील रोलर बेयरिंग को बनाया गया 1740 में, और 1794 में फर्स्ट बॉल बेयरिंग को पेटेंट करा था फिलिप्स बॉर्ग ने। बेयरिंग का मेन पर्पस होता है मेटल टू मेटल कॉन्टेक्ट से बचाना। बेयरिंग की वजह से हीट जनरेशन, फ्रिक्शन और मटेरियल में होने वाले घिसाव को भी कम करता है। बेयरिंग आपको हर जगह देखने को मिल जाएगी, लेकिन एक एग्जांपल देता हूँ। बेयरिंग का यूज एयरक्राफ्ट में करते हैं, ताकि जो एयरक्राफ्ट की जो टर्बाइन शाफ्ट है वो 10,000 आरपीएम से भी अधिक आरपीएम पर घूम सके। और लोकोमोटिव का जो एक्सल होता है उसमें भी बेयरिंग लगा होता है, जिसकी वजह से ट्रेन हाई स्पीड में चल सकती है, और लोकोमोटिव का पूरा लोड इन बेयरिंग पे आता है, फिर भी ये एफिशिएंटली काम करती है। बेयरिंग कई तरह की होती है, जैसे कि रोलर एलिमेंट बेयरिंग, प्लेन बेयरिंग, फ्लूट बेयरिंग, मैग्नेटिक बेयरिंग, जेवल बेयरिंग और फ्लेक्चर बेयरिंग। बेयरिंग लोड को ट्रांसमिट करते हैं, और ये लोड होते हैं रेडियल लोड और एक्सियल लोड। एक्सियल लोड में फोर्स या तो इसके एक्सिस पे लगता है या फिर सेंटर पीस पे लगता है, और रेडियल लोड में जो फोर्स लगता है वो परपेंडिकुलर लगता है, जैसे कि इस इमेज में आप देख रहे होंगे। रोलिंग एलिमेंट बेयरिंग, इस तरह के बेयरिंग में होते हैं बॉल या फिर रोलर। बॉल बेयरिंग ये एक कॉमन टाइप का बेयरिंग है, और आप सभी ने इस बेयरिंग को देखा होगा, और इस बेयरिंग के बीच में होता है बॉल जो कि लो फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। लेकिन ये बेयरिंग ज्यादा लोड को झेल नहीं पाते, क्योंकि इनका एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट कम होता है, और ये बेयरिंग एक्सियल लोड और रेडियल लोड के लिए यूज करे जाते हैं। एंगुलर कॉन्टैक्ट बॉल बेयरिंग, इसके इनर रिंग और आउटर रिंग जो होते हैं वो एंगल में होते हैं, जिसकी वजह से वन डायरेक्शन में एक्सियल लोड को कैरी करता है, और साथ में ये रेडियल लोड को भी कैरी करता है। सेल्फ अलाइनिंग बॉल बेयरिंग, इसके इनर रिंग में डीप ग्रूव बना होता है, और इसके दो रो में होते हैं बॉल, और आउटर रिंग जो होता है इसका कॉनकेव शेप का होता है। थ्रस्ट बॉल बेयरिंग, इसमें अपर रिंग और लोअर रिंग सेम साइज के होते हैं, और इसके बीच में होता है बॉल जो कि यूज करा जाता है हाई स्पीड एप्लीकेशन के लिए और लो थ्रस्ट एक्सियल लोड के लिए। रोलर बेयरिंग, इसमें रोलर का यूज करा जाता है, और इसका जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट होता है वो ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इसकी हायर लोड कैपेसिटी होती है। रोलर बेयरिंग भी कई तरह के होते हैं। सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग, सिलेंड्रिकल रोलर बेयरिंग के बीच में होते हैं रोलर, और ये केज आउटर रिंग और इनर रिंग के बीच में होता है, और इस तरह की बेयरिंग हाई रेडियल लोड को आसानी से झेल सकती है। स्पेरिकल रोलर बेयरिंग, इसमें आउटर रिंग और इनर रिंग स्पेरिकल शेप की तरह होते हैं, और इसके रोलर भी सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, लेकिन जो इसकी प्रोफाइल होती है वो स्पेरिकल की तरह होती है, और ये बेयरिंग एंगुलर मिसअलाइनमेंट वाले रोटेटिंग शाफ्ट में यूज करे जाते हैं, और ये हैवी लोड मशीनरी जैसे विंड टर्बाइन, गेयरबॉक्स, ऑफ रोडिंग व्हीकल में यूज करे जाते हैं। टेपर्ड रोलर बेयरिंग, ये बेयरिंग एक कोन शेप की तरह होता है। टेपर्ड रोलर को डिजाइन करा गया है हायर एक्सियल लोड के लिए और रेडियल लोड के लिए। निडल रोलर बेयरिंग, इसमें जो सिलेंड्रिकल रोलर होते हैं वो निडल की तरह लंबे होते हैं, जिसकी वजह से इनकी हाई लोड कैपेसिटी होती है, और ये सुटेबल होते हैं रेडियल फोर्सेस के लिए। प्लेन बेयरिंग, प्लेन बेयरिंग एक सिंपल टाइप का बेयरिंग है, इसमें कोई भी रोटेटिंग एलिमेंट नहीं होता, जैसे कि रोलर और बॉल। प्लेन बेयरिंग को रोटेशनल, स्लाइडिंग और रेसिप्रोकेटिंग वाले सिस्टम में यूज करा जाता है। प्लेन बेयरिंग के आउटर रिंग और इनर रिंग के बीच में लुब्रिकेंट होता है, और ये एक सिंपल कंस्ट्रक्शन है बेयरिंग का। ये बेयरिंग हाई लोड कैपेसिटी के लिए यूज करा जाता है, और इसको एग्रीकल्चर में, ऑटोमोटिव में, कंस्ट्रक्शन मशीन में और मेडिकल जैसी मशीनरीज में इसका यूज करा जाता है। फ्लूड बेयरिंग, शाफ्ट या बेयरिंग के बीच में डाला जाता है या तो प्रेशराइज्ड एयर या फिर फ्लूड, जो कि शाफ्ट को रखती है बीच में, जिससे कि शाफ्ट बेयरिंग के कॉन्टेक्ट में नहीं आता, और उसकी वजह से फ्रिक्शन काफी लो हो जाता है। फ्लूड बेयरिंग को स्पेसक्राफ्ट सिमुलेटर और 3D प्रिंटर्स और क्यूब सेट सैटेलाइट्स में भी यूज करा जाता है। एयर बेयरिंग को प्रिसीजन मशीनरी टूल में और हाई स्पीड मशीन्स में यूज करा जाता है। एयर बेयरिंग में टाइट टॉलरेंस की जरूरत होती है, और इसमें क्लीयरेंस दिया जाता है 5 माइक्रोन से लेके 50 माइक्रोन तक। अगर एयर और फ्लूइड को बराबर डिस्ट्रीब्यूट ना करे तो ये बेयरिंग वाइब्रेशन और नॉइज को प्रोड्यूस करती है। मैग्नेटिक बेयरिंग, इस तरह की बेयरिंग में मूविंग पार्ट्स बेयरिंग के साथ फिजिकल कॉन्टेक्ट में नहीं रहता। मैग्नेटिक बेयरिंग में यूज करा जाता है मैग्नेटिक लेविटेशन को।
इसमें ऑब्जेक्ट बीच में टंग जाता है, वो भी बिना किसी सपोर्ट के। मैग्नेटिक फील्ड रिस्पॉन्सिबल होता है शाफ्ट को बीच में रखने के लिए। मैग्नेटिक बेयरिंग पार्ट को बिल्कुल भी घिसने नहीं देता, इसलिए इसका फ्रिक्शन बिल्कुल लो होता है। बेसिकली ये भी कह सकते हैं 0% वेयर एंड टीयर होता है कॉम्पोनेंट में। जेवल बेयरिंग, जेवल बेयरिंग एक प्लेन बेयरिंग की तरह होता है। इसमें एक मेटल स्पिंडल होता है जो कि टॉरस शेप की बेयरिंग में जाकर लगता है, और ये बेयरिंग रेड कलर की शो करी हुई है। जेवल बेयरिंग को प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंट में यूज करा जाता है, और इस बेयरिंग में लो फ्रिक्शन होता है, लंबी लाइफ होती है और डायमेंशन बिल्कुल एक्यूरेट होता है। इस बेयरिंग को मैकेनिकल वॉचेस में यूज करा जाता है। फ्लेक्सर बेयरिंग, यहाँ पर फ्लेक्सर का मतलब होता है फ्लेक्सिबल से, और इसमें जो सीट यूज करते हैं वो काफी फ्लेक्सिबल होती है। इसके बीच में कुछ स्पाइरल कट लगाया जाता है जिसकी वजह से ये बेयरिंग अप एंड डाउन डायरेक्शन में मूव करती है। फ्लेक्सर बेयरिंग को एक्चुएटर में यूज करा जाता है, जैसे कि प्रूफ मास एक्चुएटर। फ्लेक्सर बेयरिंग फ्रिक्शन लेस होती है और इसकी अल्ट्रा लाइफ होती है। इस वीडियो में सभी टाइप की बेयरिंग को कवर करा हुआ है। अगर कोई बेयरिंग रह जाती है और आपको पता है तो कमेंट करके जरूर बताएं।